हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टिकट चैनल के माध्यम से जितने भी EPS 95 प्रश्न है सबका मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तो केस को डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत कुछ दिन पहले आपने यह सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था EPS 95 का केस, उस केस को तीन बेंचों के जजों के पास में ट्रांसफर कर दिया। यानी कि पीठ के जो भी जज हैं वो उस केस को सुनवाई करेंगे और सुनने के बाद में एक फैसले पे पहुंचेंगे या फैसला देंगे। अब वो फैसले की जो तारीख हुई थी तय, वो तारीख था 25/10/2021। यानी कि 25/10/2021 को तीन जजों के बेंच पे जो EPS 95 प्रश्नों का केस गया था, उस तीन जजों के बेंच पे वो 25/10/2021 को उसकी सुनवाई हुई थी। लेकिन मैं आपको 25/10/2021 के दिन की पूरी कहानी बता देता हूं कि 25/10/2021 के दिन EPS 95 पेंशनरों के पक्ष में फैसला आना तो दूर, EPS 95 पेंशनरों का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उस पे भी सुनवाई नहीं हुई और न तो कोई अगला डेट अभी तक मिला है। क्योंकि EPS 95 पेंशनरों का जो केस चल रहा है वो उनके न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी को लेके है, और इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं बहुत सारे, आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पूरा माजरा क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस है EPS 95 पेंशन न्यूनतम पेंशन के बढ़ोतरी को लेके, उस पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई अभी की जाएगी। क्योंकि अभी तक जो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी केस अगली तारीख नहीं दी गई है। अब दोस्तों, अगली तारीख कौन सी होगी और EPFO के द्वारा बताया गया जो पैसा बढ़ाने को लेके है वो बढ़ाया जाएगा या नहीं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी अब कौन सा कदम उठाएंगे, ये सारी बातों पे डिस्कस करने के लिए NSC के कमांडर माननीय अशोक रावत जी ने बहुत सारी मीटिंग जो तो अटेंड कर रहे हैं, जिसका मैंने पिछले वीडियो में एक चार्ट बना के दे दिया है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था कि आप लोग देख सकते हैं और कहां पे कौन सी बैठक है और कितने बजे से उसका टाइम निर्धारित किया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि माननीय अशोक रावत जी अभी तक में बहुत सारे मीटिंग को अटेंड कर लिए हैं और लोगों को फेस टू फेस समझाने की यह कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ये पेंशन में बढ़ोतरी कब तक होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है सामने कि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं वो माननीय अशोक रावत जी पे भरोसा, कोर्ट पे भरोसा रखें और फैसला आपके पक्ष में ही, इस प्रकार से थी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि EPFO के द्वारा यह बात का स्पष्ट कर दिया गया है कि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं सबकी पेंशन निर्धारित अंक जो तो पेंशन में दिया जाएगा, यानी कि उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, यानी कि जितना उनका कंट्रीब्यूशन होगा उसी हिसाब से उनको पेंशन भी दिया जाएगा। ये ठीक है, लेकिन आप देंगे कब से ये डेट अभी तक नहीं आया है। डेट न आने के पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब तक फैसला EPS 95 पेंशनरों के पक्ष में या फिर कुछ भी फैसला जब तक नहीं आएगा, तब तक न तो EPFO आपको देगी, न वित्त मंत्री और न ही माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आपको दिया जाएगा। आपको मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। अब किस मुंह से यह बात को स्पष्ट रूप से बोल दिया जाए कि आपको EPS 95 पेंशनरों को पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि EPFO ने एक बार जो है तो इस बात का बयानबाजी कर चुके हैं कि हमारे पास इतना ज्यादा बजट नहीं है, जिस वजह से मैं जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं करीब 67 लाख हैं, एक साथ उनका जो है तो पेंशन नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके वजह से EPFO के ऊपर दबाव बना और EPFO ने अपना उस फैसले को अस्वीकार किया और जो तो इस बात पे आ गया कि जितने भी EPS 95 पेंशनर हैं सबके पेंशन को बढ़ाएंगे, लेकिन कब तक बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, अभी इसके बारे में कुछ भी चर्चाएं नहीं है। दोस्तों, बस इतना ही खबर है, मिलते हैं किसी नए खबर में नए वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।